पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विक्रम सिंह मुझे बार बार कॉल करता है। जब मैं उसका फ़ोन उठाता हूँ तो वो कहता है कि आपका राणा प्रताप सिंह जी से बात हुआ, तो मैं मना कर देता हूँ। तो विक्रम सिंह मुझे कहता है कि आप जल्द से जल्द राणा प्रताप सिंह जी को कॉल कीजिए और अपनी जीती हुई धनराशि को प्राप्त कीजिए। तो जब मैं राणा प्रताप सिंह को कॉल करता हूँ तो राणा प्रताप सिंह मुझे ये कहता है कि अगर आपको ये जीती हुई धनराशि प्राप्त करनी है तो आपको 25,000 का टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स आपको आज के दिन में ही जमा करवाना पड़ेगा। तो फिर से मैं विक्रम सिंह को कॉल करता हूँ और विक्रम सिंह को बताता हूँ कि सर, राणा प्रताप सर मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आपको टैक्स आज ही जमा करवाना पड़ेगा। तो मैं बहला फुसला के विक्रम सिंह को ये कहता हूँ कि मैं मुझे सोमवार का तक का टाइम दीजिए, सोमवार को मैं सारा आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो जमा करवा दूंगा और अपनी जीती हुई धनराशि को प्राप्त कर लूंगा। अब आगे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा ना केबीसी में सिलेक्ट हुआ था, वो पहले राउंड में ना बाहर हो गया था अमिताभ बच्चन। मेरे तो पता नहीं कितने सपने से संजोए होंगे जो मेरे पूरे हो जाएंगे। मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ ना, मेरी ना जुबान भी थथला रही है। नमस्कार सर जी। सर प्रीतम नहीं, प्रीत है ना? प्रीत। हाँ जी, हाँ जी सर, बढ़िया सर, आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी सर, मुबारक हो। मुबारक हो सर, बुआ जी ने दे दिए मुझे 5,000। इसलिए वो भाई आया था, बस भाई मोबाइल पकड़ा के चला गया। आपने सुबह भी फोन किया था क्या? बात ये है कि जो आपके पास जितने हैं ना आपके पास, हाँ जी, ये टैक्स आप पे कर दें, बाकी का जो टैक्स है वो बाद में आपने भर देना है, ठीक है? क्योंकि इसके लिए पता क्या क्या सर, सर इसके लिए आपका चेक इन रहेगा, इसके लिए आपका चेक इन रहेगा और बाकी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगी। आप ये टैक्स पे करेंगे जितना है आपके पास, सीएम को राणा प्रताप सर को बोल के ये पे कर दो, बाकी का जब आपके पास पैसा भी आ जाएगा आप उन्हें अकाउंट से भी निकलवा के भर सकती है, इसलिए आपको आसानी हो सकती है उस प्राइस की। नहीं सर, एक्चुअली बात बताऊं क्या है, मैंने मम्मी से बात की थी ना जब शुरू शुरू में आपका कॉल आया था मुझे, तो फिर मम्मी कहते थे कि एक बार मेरा भी 1,00,000 रुपए आया था दूसरे बैंक से, तो उनको चार्जेस लगे थे, आई थिंक वो था SBI से इंडसइंड बैंक में पैसे उन्होंने मंगवाए थे, तो 1,00,000 मंगवाया था तो उस पे उनको चार्जेस लगे थे ज्यादा। तो मम्मी कहते हैं कि अगर पूरे ना हुए ना तो कई बार ना चेक बाउंस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो फिर बैंक रोक देता है, तो मैं वो दिक्कत नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं जितना आपने कहा है ना, वादा किया है कि 25,000 लगेगा, तो मैं 25,000 पूरा करके ही दूंगा आपको, क्योंकि बाद में अगर क्योंकि हाँ जी नहीं, वो मम्मी को भी फौरन से आया था ना पैसा, हमारे जो दूसरे मामा जी है ना वो बाहर हैं, वो दुबई में रहते हैं, तो उन्होंने 1,00,000 रुपया भेजा था, तो वो कहते थे कि चाहे फॉरेन की करेंसी हो चाहे ये जो होता है जैसे लॉटरी नहीं लगती, दिवाली बम्पर हो गया या कुछ हो गया, तो इस पे कहते हैं वो चार्जेस लगते ही लगते हैं, वो देने ही पड़ते हैं, अगर नहीं दोगे तो जो है गवर्नमेंट को पता चल जाता है और गवर्नमेंट बाद में हमारे से टैक्स लेती है, तो मैं तो ऐसा जो गवर्नमेंट का होता है क्या होता है उसे कहते हैं GST वगैरह, वो तो मैं भरता नहीं हूँ,
तो कल को मेरे पे फिर शक पड़ जाएगा ना कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया जा कुछ है, तो वो दिक्कत है। इसलिए मुझे 25,000 तो पूरा करके देना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको कोई भी बंदा बात नहीं कर सकता, अगर करेगा तो सर हम उनके साथ बहुत बात नहीं करेंगे, सर तो नहीं नहीं नहीं, चल जाएगा। नहीं हमारे यहाँ जहाँ का मैं रहता हूँ ना, वहाँ के एरिया का हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा ना केबीसी में सिलेक्ट हुआ था, वो पहले राउंड में ना बाहर हो गया था अमिताभ बच्चन के जो पहला राउंड होता है, तो उसे उस टाइम पे पहला राउंड क्लियर करने पे उसे 1.5 लाख की अमाउंट मिली थी अमिताभ बच्चन की तरफ से। तो क्योंकि जो क्वालिफाई होते हैं ना उनको भी जो कुछ पैसा देते हैं कि इतनी दूर से आप आए हो इतना क्वालिफाई हुए, वो जो फाइनल अमिताभ बच्चन के सामने बैठते ना उसमें में नहीं क्लियर हो पाया वो बंदा, तो उसको 1.5 लाख दिया था कंपनी वालों ने, पर 1.5 लाख पे भी उसको टैक्स लगा था वहां पे। ओह माय गॉड, हु द हेल केयर्स। हां जी, तो फिर वो दिक्कत है ना कि कल को जैसे आप 25 लाख मुझे कह रहे हो, 25 लाख बार मेरे लिए तो सर बहुत बड़ी रकम है ये, मेरे तो पता नहीं कितने सपने से संजोए होंगे जो मेरे पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई वो दिक्कत ना आए जिसके कारण वो पैसा मुझे मिल ही ना पाए। जिंदगी में भगवान एक बार ही देता है, बार बार इंसान को मौका चांस नहीं देता, अगर एक बार इंसान चांस अपना गंवा ले तो उसको दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है आप पूरी जिंदगी में जॉब करेंगे 20-25 हजार आपकी सैलरी होगी, तो कितने सालों में जाके आप ये जमा कर सकेंगे, तो भगवान ने आपको चुना है, आप बहुत ही खुशनसीब है, क्योंकि सर ये किसी भी खुशनसीब का ही निकलता है, वैसे तो आपको पता है अरबों के हिसाब से लोग पड़े हैं भारत। आपको पता है मेरे मम्मी तो सुबह शाम भगवान का माथा टेकते हैं, धूप जोत करते हैं कि हे भगवान तूने हमें इसे काबिल समझा, 25 लाख दिलवा रहे हो, वो तो हटते ही नहीं है, जब से आपका फोन आया है ना तब से वो लगे हुए हैं। तो वो मम्मी जी ने ही मुझे बताया था कि ऐसे मत करना कि इतना बड़ा भगवान ने मौका दिया वो खो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप अमाउंट कहते, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि जैसे मेरे पास 25 लाख आएंगे अगर आपको उसमें से 10-20 हजार चाहिए तो मैं आपको भी ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं सर, आप मेरे लिए तो सर मेरे लिए तो आप ही मसीहा हो ना, तो अगर तो हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को भी तो हम माथा टेकते कुछ चढ़ा के ही आते हैं ना। I love you. तो सर आप मंदिर ही चले जाना, तो मंदिर ही चले जाना, वहां पे भी आप कुछ मर्जी करना। ठीक है सर, ठीक है, तो मैं बस यही है कि आज नहीं, बुआ जी मुझे 5,000 दे गए, मैं आप जब आपका फोन आया मैंने उसी टाइम आपको बताया कि 5,000 का रेंज हो गया है, अब मेरे पास अकाउंट में 10,000 हो गया है और बुआ जी का 5,000 हो गया, कल मैं यानी कि कल एतवार है, कल मामू भी मुझे दे जाएंगे, मेरे पास 20 या 22 हजार हो जाएगा, तो जो है मैं सोमवार को ना उसको सुबह सुबह जाके बैंक में जमा करवा दूंगा, ठीक है ये 20-22 हजार। मैं वैसे तो अपने फ्रेंड्स को भी कहा हुआ है जो मेरे खास हैं, उनको भी मैंने यही फीस का बहाना लगाया हुआ है, यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सोमवार तक मेरे अकाउंट में 25 हजार आ जाएंगे। Here we go! तो आप एक बार राणा सर से बात करके सर ये कर दो ना कि राणा सर एक दिन और रुक जाओ। हाँ जी, मैं तभी मैं कन्फर्म खुल के होनी चाहिए, आप कन्फर्म बता दें ताकि हम आपका भी टाइम वेस्ट ना करें, हम अपना भी टाइम वेस्ट ना करें। सर मैं तो सर खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा हूँ, मेरा तो नहीं टाइम वेस्ट हो रहा, पर आपका जरूर हो रहा है कि आप इतनी बार लोग हो आप जो बार बार मुझे कॉल कर रहे हो और मेरा पैसा मुझे देने के लिए इतनी बार कॉल कर रहे हो। सर आपका पैसा देने के लिए कॉल कर रहे हैं तो आप मेरी बात ध्यान
से सुने आप मेरी बात, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने थोड़ा रिलैक्स होके काम लेना, जज्बात ही नहीं बनना, क्योंकि जज्बात में इंसान बहुत कुछ खो देता है। इसीलिए सर मैं, आपने कहा ना, क्योंकि आपने जब परसों कहा था कि रिलैक्स होके दिमाग से सोचिएगा फिर एक्शन लीजिएगा, मैं तभी आपकी ना बात वो दिमाग में जहन में बिठाए हुए हूँ, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ जी मेरे पास 5,000 हो गया, 15,000 हो गया, कल मामू भी मुझे दे जाएंगे, 20,000 हो जाएगा, 2-3,000 अगर वो ज्यादा देंगे तो, है नहीं तो फ्रेंड से लेके मैं आपको 25,000 सोमवार तक दे दूंगा। बस आप एक बार राणा सर को ना रिक्वेस्ट करके कह दो कि सर सोमवार तक थोड़ा सा रुक जाए। सर देखिए वो मैं आपकी रिक्वेस्ट कर दूंगा उनको, लेकिन आपको पता है कि आपके पास टाइम कम नहीं था, ये तो सिर्फ वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा चल ठीक है अगर वो टैक्स, तो सर वो इसलिए कह रहे थे आप इंटर रहने के लिए, सर वो हमारी जिम्मेवारी, अगर आप अपनी टैक्स पे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आप चिंता मत करें, बाकी का आप टैक्स भर के प्राइस निकलवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जैसा आपको अच्छा लगे, तो क्योंकि सर हमारा तो काम ही यही है ना, आप 15,000 भी पहले टैक्स पे अभी कर सकते हैं। 15,000 तो सर अभी है नहीं ना, 15,000 तो है नहीं, आपको बताया कि मामा जी जो सॉरी बुआ जी जो है मुझे 5,000 कैश दे के गए हैं, तो सोमवार को मामा जी कल दे के जाएंगे, सोमवार को मैं जितना भी होगा 20-22,000 वो मैं सारा जमा करवा दूंगा। तो सर अभी तो आप कह रहे थे हमारे पास 15,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 15,000 है, कह रहा हूँ कि 10,000 मेरे अकाउंट में पड़ा है, बुआ जी 5,000 दे के गए हैं मुझे फीस के बहाने। ना ना सर ऐसा मत करना, मेरे तो पेट पे लात लग जाएगी सर, ऐसा मत करना, मैं तो आप इतनी ख्वाब सोच के बैठा हूँ सर, मैं तो भगवान भगवान से पहले आपका नाम लेता हूँ सर। ये देखो मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ ना, मेरी ना जवान भी थथला रही है, आपको लग रहा होगा ना, बीच बीच में थोड़ा सा कांप भी रहा हूँ मैं, और मेरा जो जवाब है वो भी देखो मिसमैच सा हो रहा है, आपको लग रहा होगा। रिलैक्स होके बात सुने, आपका 25,00,000 आपको मिलेगा, लेकिन मंडे का टाइम आपको मैं लेके देता हूँ, ठीक है, मंडे के टाइम में आपने क्लियर करवाना है अपना प्राइस। सर हाँ जी सर, मैं आपका बहुत सर बहुत ज्यादा आभारी हूँ सर, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूंगा ये मुझे खुद को नहीं पता चलता। ठीक है सर, तो मंडे को टैक्स पे करके अपना प्राइस। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। हाँ जी हाँ जी, मंडे को फिर आप मंडे को आप कॉल करोगे कि राणा सर का कॉल आएगा मुझे, कैसे होगा? तो आप मंडे को राणा सर को खुद कॉल लगा, तो कॉल लगा लेना सर, ये होता कि आप उनकी कॉल नहीं उठाते ना सर, वो गुस्सा कर जाते नहीं सर, मैंने तभी फोन ना यहाँ रख गया था क्योंकि बुआ जी के साथ जाना था, तो बुआ जी को शक पड़ जाना था, इसलिए मैंने भाई को फोन दे दिया था कि अगर फोन आया तो बता देना कि मैं गया हूँ बुआ जी के साथ, आकर बात करता हूँ, क्योंकि वो पैसे लेने ही गया था उनके साथ में। तो आप उनसे व्हाट्सएप पे अगर ऐसे भी ऑनलाइन हो ना, तो आपकी जैसे भी उनसे बात हो तो आपने उनसे बात करके बता देना कि सर मंडे को जमा करेंगे, मैं भी यहाँ से एसएमएस कर देता हूँ उनको, तो ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो फिर बात होगी आपकी मंडे को। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।